ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रसल चैटर। तो गाइस, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे द मोस्ट इलेक्ट्रिफाइंग मैन इन स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट ब्रह्मा बुल द रॉक के बारे में। तो ये मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोगों के रॉक फेवरेट रेसलर होंगे और आप में से काफ़ी सारे लोगों के कमेंट भी आते हैं कि द रॉक पे कोई वीडियो बनाओ। तो ये रही वो वीडियो जिसमें हम बात करेंगे कि द रॉक WWE में अपना रिटर्न कब तक कर सकते हैं। देर किस बात की, शुरू करते हैं। अगर आप रोमन रिंग्स या जॉन सीना के फैन हैं, उनकी टी शर्ट्स और बैकपैक बाय करना चाहते हैं तो उनके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से सिंपली उन्हें बाय कर सकते हैं। तो गाइस, इस बात में किसी को कोई भी शक नहीं होना चाहिए कि द रॉक की डिमांड बहुत ही ज्यादा है WWE में। सिर्फ WWE में नहीं, मूवीज में भी डायरेक्टर उन्हें अपनी मूवीज पर साइन करना चाहते हैं और डायरेक्टर की आपस में ही काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है। तो ऐसे में हम सोच सकते हैं कि WWE का सीधा कंपटीशन उन सभी डायरेक्टर से है जो द रॉक को अपनी मूवी में साइन करना चाहते हैं। और WWE तो यही चाहता है कि द रॉक उनके साथ हमेशा से ही जुड़े रहें, लेकिन द रॉक को मूवीज़ करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि ऑब्वियसली बात है WWE उन्हें इतने पैसे तो नहीं दे सकते जितना वो एक मूवी से कमा लेंगे। लेकिन WWE के लिए खुशी की बात एक ये भी है कि रॉक का WWE के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि WWE और द रॉक के रिश्ते बहुत ही अच्छे हैं और WWE चाहती है कि किसी तरह से द रॉक फिर से हमें WWE में लगातार रेसलिंग करने को दिखें। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं होने वाला क्योंकि द रॉक बहुत ही बिजी रहते हैं और वो मूवीज़ करने में ज़्यादा इंटरेस्ट अपना दिखाने लगे हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है कि किसी एक बड़े इवेंट में हमें द रॉक की वापसी देखने को मिल जाए। और जैसे कि आप जानते हैं WWE का सबसे बड़ा इवेंट यानी कि रेसलमेनिया जो कि हमें देखने को मिलती है अप्रैल में, तो शायद ये हो सकता है कि हमें द रॉक का किसी से फ्यूड देखने को मिल जाए। फ्यूड तो नहीं, वो सिर्फ एक मैच ही होगा जहां पर हमें द रॉक देखने को मिलेंगे। और गाइस, अगर हम यहां पर ऐसा सोचते हैं कि हमें द रॉक की उसी तरह से स्टोरी लाइंस देखने को मिलेंगी जैसे हमें जॉन सीना के साथ देखने को मिली थी जो काफ़ी सालों तक चली थी, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है क्योंकि द रॉक इससे अच्छा कोई मूवी कर लेंगे जहां पर उन्हें काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है। तो हमें कोई उनका सिर्फ एक ही मैच देखने को मिलेगा जहां पर वहीं पर उनकी राइवलरी या हम उसे फ्यूड कहें वो खत्म हो जाएगी। तो ज़्यादा लंबे मैचेस तो हमें कभी भी देखने को नहीं मिलेंगे जहां पर द रॉक की हमें काफ़ी महीनों तक कोई स्टोरी लाइन देखने को मिले, क्योंकि अब रॉक पार्ट टाइमर से भी नीचे के लेवल पर है जहां पर हमें पार्ट टाइमर एटलीस्ट महीने में तो दिख जाता है लेकिन रॉक हमें सालों में एक ही बार देखते हैं। तो ऐसा जरूर हो सकता है कि हमें उनका बीच में सेगमेंट देखने को मिले, लेकिन उनका अगर कोई मैच होगा तो वो एक बड़े इवेंट पर ही हमें देखने को मिलेगा। तो गाइज, उम्मीद तो हम यही करते हैं कि हमें द रॉक देखने को मिले क्योंकि ऐसे रेसलर्स हमें बार बार देखने को नहीं मिलते। तो गाइज, अगर आपको ये वीडियो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, इसके अलावा कमेंट्स बताना कि आपको क्या लगता है कब तक हमें द रॉक देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको ऐसी WWE की हिंदी अपडेट्स मिलती रहे। सो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो।